मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में सितारों से सजी रामलीला का शुभारंभ हो चुका है। फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां अयोध्या में मौजूद हैं। सबसे पहले गणेश वंदना और मां शबरी के पात्र पर मंचन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद नारद मोह और रावण तपस्या में नारद मुनि के पात्र में गुफी पेंचल ने अयोध्या की रामलीला में किरदार निभाया और रावण तपस्या में रावण के किरदार में शहबाज खान ने अभिनय प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं इस बार रामलीला में भगवान राम का किरदार फिल्म अभिनेता राहुल बूचड़ निभा रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री शबरी का किरदार निभाती नजर आ रही हैं। भाग्यश्री ने पिछले साल माता सीता का पात्र किया था। इस बार सीता माँ का किरदार अभिनेत्री दिशा रैना करेंगी। साथ ही बीजेपी के 3 सांसद भी इस बार अयोध्या की रामलीला में मंचन करते दिखेंगे। भोजपुरी फिल्म स्टार और सांसद मनोज तिवारी परशुराम का किरदार निभाएंगे। वहीं आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। गोरखपुर सांसद रवि किशन केवट के पात्र में अभिनय प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा महाभारत में धृतराष्ट्र का किरदार निभाने वाले गिरजा शंकर राजा दशरथ का पात्र निभाएंगे। बिंदु दारा सिंह हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म स्टार रजा मुराद, उपासना सिंह के अलावा फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियां रामलीला के मंच पर दिखेंगी। इसी बीच इस बार रामलीला में शबरी का पात्र निभा रही भाग्यश्री ने अपने मां शबरी का किरदार निभाने को अपना सौभाग्य बताया है। यहाँ एक भक्ति भाव से मैं आई हूँ, श्री राम के पावन धरती पर आई हूँ, अयोध्या आई हूँ। यहाँ राम जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर के दर्शन हुए, माथा टेका, तो एक जो अंदर की भावना है वो प्रकट होती है कि भाई ये पूरा संसार जो है वो उसके कृपा से चलता है। तो जब हम वो किरदार निभाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि शायद वो किरदार निभाने से हम लोगों तक ये पहुंचा सके कि अगर हम वो किरदार निभा सकते हैं तो वाकई उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। इस बार की रामलीला का मंचन अनेक खासियतों से भरा हुआ है। रामलीला के किरदारों के लिए नेपाल से ड्रेस डिजाइन कराई गई है, तो ये कलाकार मुंबई से लाए गए जेवर पहनेंगे। आखिरी दिन यानी दशहरे पर फिल्म हिंदुत्व की पूरी टीम मंच पर दिखेगी। साथ ही गायक अनूप जलोटा के भजन दर्शकों को सुनने को मिलेंगे। बताते चलें कि अयोध्या की रामलीला का ये तीसरा वर्ष है। पिछले 2 वर्षों से रिकॉर्ड दर्शकों ने वर्चुअल तौर पर अयोध्या की रामलीला को देखा है। इस बार ये तीसरा संस्करण है जिसमें फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां नजर आएंगी। अयोध्या की रामलीला सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे करोड़ों देशभक्त दुनिया के कोने कोने से देखते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अयोध्या की रामलीला से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप वक्त से पाएं।